हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड पोम अ प्लास्टिक पैराडाइज ऑफ योर न्यू इंग्लिश फेरी बुक। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 82। वार्म अप। Every year, the whole world dumps tons of waste into the oceans. हर साल ये सारा संसार लाखों टन कचरा समुद्र में फेंकता है। This makes our oceans dirty, जो हमारे समुद्रों को गंदा बनाते हैं, and puts marine life at great risk, और समुद्री जीवन बहुत बड़े खतरे में है। ये समुद्री जीवन को खतरे में डालते हैं। What steps do you think we as global citizens should take to regulate the dumping of waste into the ocean? एक ग्लोबल सिटीजन यानी वैश्विक नागरिक के रूप में आप क्या सोचते हैं कि ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे इस वेस्ट को समुद्र में फेंकने पर नियंत्रण पाया जा सके? शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स। अब आपको अपने रिस्पॉन्सेज को अपने क्लासमेट्स के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करना है। नाउ रीडिंग। रिसर्च हैज फाउंड एन एस्टिमेटेड 414 मिलियन pieces of plastic debris on Australia's Cocos Islands. Research से पाया गया है कि लगभग 414 मिलियन प्लास्टिक के मलबे के टुकड़े ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप पर पाए गए हैं। These islands in the middle of the Indian Ocean. ये islands जो इंडियन ओशन के बीच में स्थित हैं, डू नॉट हैव अ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन। इनकी जो आबादी है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट हैज़ बीन वॉश्ड अशोर ब्रिंग्स होम द स्टार्टलिंग फैक्ट्स ऑफ एंडलेस प्लास्टिक वेट दैट इज बीइंग डम्प्ड इनटू ऑल द ओशंस एट एन अलार्मिंग स्पीड। कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है, प्लास्टिक का जो कचरा है, वो समुद्र के अंदर बहुत ही खतरनाक गति से फेंका जा रहा है। यानी उसकी गति बहुत तेज है, बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक को समुद्र में फेंका जाता है। रीड दिस पोम दैट लिस्ट्स द काइंड ऑफ गार्बेज दैट इज वॉश्ड अशोर ऑन द कोकोस आइलैंड्स। आइए इस पोम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं उस गार्बेज की, उस कचरे की सूची को जो कोकोस आइलैंड्स में पाया जाता है। इट ऑल्सो मेक्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आर सेल्फिश एक्शंस एंड देयर अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। ये इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी आपकी नज़र डालता है कि हम कितने सेल्फिश हैं, हमारे एक्शंस, हमारे काम कितने स्वार्थी हैं और उसका कितना अनअपेक्षित परिणाम निकल सकता है। At the far edges of the world, hidden deep amongst the raging seas and rising waves. At the far edges of the world means दुनिया के दूरवर्ती सुदूरवर्ती किनारों पर, यानी जहाँ तक अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं पहुँची है, तो समुद्र के ऐसे किनारों पर, हिडन डीप अमंगस्ट द रेजिंग सीज एंड राइजिंग वेव्स। रेजिंग सीज यानी जहाँ समुद्र का बहाव बहुत उग्र है, बहुत तेज़ है, और जहाँ पर उफनती हुई बढ़ती हुई लहरें हैं, उनके बीच में बहुत गहराई में कुछ छुपा हुआ है। लेज अ सीरीज ऑफ सीक्रेट एटॉल्स एंड कोरल कोव्स। और क्या है उसके अंदर? सीरीज ऑफ सीक्रेट एटॉल्स, वहाँ पर जहाँ छल्लों के रूप में महाद्वीप है, और कोव्स कहते हैं उस क्षेत्र को जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। तो ऐसे क्षेत्रों पर रिमोट आइलैंड्स दैट आर ऑलमोस्ट एंटायरली अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जो समुद्र के बीच में स्थित हैं, जहां पर अभी मनुष्य नहीं पहुंचा है, वो ऐसे क्षेत्र जो रिमोट आइलैंड्स यानी जहाँ पर मनुष्य की पहुँच अभी तक नहीं है, और वो मनुष्य के हाथों से अभी पूरी तरह से अछूते हैं। बट मेम्ड बाय द डिट्राइटस दैट दोज हैंड्स हैव रॉट। लेकिन वो हाथ जो अछूते हैं, यानी वहाँ मनुष्य की पहुँच तो नहीं है, बट मेम्ड एट द डिट्राइटस दैट दोज हैंड्स हैव रॉट। लेकिन अब वही क्षेत्र जो अछूता है लोगों से,
अब वही क्षेत्र उन हाथों के द्वारा फेंके गए मलबों से अपंग हो गया है। क्या है वहाँ पर? एज कॉफी लिड्स एंड टूथब्रशेस, और बहुत सारा कचरा है, जैसे कॉफी के ढक्कन और टूथब्रशेस के रूप में वहाँ पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। बात शेमलेसली ऑन प्रीवियसली प्रिस्टीन शोर्स, जो पहले कभी जहाँ पर किनारे साफ सुथरे हुआ करते थे, अब वो ही कैसे हो गए हैं? वो ही अब बेशर्मी से गंदगी में नहाते हैं। एंशियंट बॉटल्स ऑफ लिल्ट रोल अक्रॉस द ड्यून्स। लिल्ट कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स को, तो पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बॉटल्स हैं वो उन्हीं किनारों पर लुढ़कती हैं। दे आर डर्टी एमराल्ड ह्यूज डिफ्रेक्टिंग द सन्स लाइट। एमराल्ड कहते हैं पन्ने को जिसका रंग हरा होता है, तो पोएट लिखते हैं कि उन्हीं गंदी बोतलों के हरे रंग से जो सूर्य का प्रकाश है उस पर जो पड़ता है वो भी विचलित हो जाता है। अक्रॉस आर फिल्थी प्लास्टिक पैराडाइज, और चारों तरफ क्या है, गंदे प्लास्टिक का स्वर्ग सा फैला हुआ है। शैम्पू बॉटल्स एंड सिलिकॉन चिप्स रब कैलसली। शैम्पू की बोतलें और साथ ही साथ सिलिकॉन के चिप्स, ये कैलसली कहते हैं भावहीन होकर, जिनमें कोई भाव नहीं है। अगेंस्ट सैंड्स दैट विल नेवर अगेन बी वाइट। ये सिलिकॉन की जो चिप्स हैं और शैम्पू की जो बॉटल्स हैं, ये वहाँ की रेत से अपने आप को रगड़ते हैं भावहीन होकर के, लेकिन वो अब फिर कभी सफ़ेद नहीं होंगे। द करियर बैग्स बिगिन टू कोलेस, और जो करियर बैग्स हैं यानी जो थैले हैं वो आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि समुद्र के किनारे हवा का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो जो भी कचरा फैला है अगर वो वज़न में हल्का है, जैसे कि कैरी बैग्स हैं, और आगे आप पढ़ेंगे कि कॉन्टॉर्टिंग टू क्रिएट इम्पॉसिबल द स्ट्रक्चर्स ऑफ फैब्रिकेटेड इनडिफरेंसेस, कि वो करियर बैग्स जो वज़न में हल्के हैं वो हवा के बहाव से एक तरफ को उड़ जाते हैं और आपस में मिलते हैं, और कॉन्टॉर्टिंग टू क्रिएट इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, यानी मुड़ते हुए एक इम्पॉसिबल सा स्ट्रक्चर, एक इम्पॉसिबल सा ढांचा बना देते हैं, यानी उड़कर एक जगह ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। फैब्रिकेटेड इनडिफरेंसेस, जो एक ही तरह से कभी बनाए गए थे लेकिन हवा के जोर से मुड़ मुड़ कर अब वो एक कचरे के ढेर में बदल गए हैं। एज प्लास्टिक स्ट्रॉस पेयर अप टू ज्वाइन इन दिस, और इसी में प्लास्टिक के स्ट्रॉस, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी पी करके लोग स्ट्रॉस को फेंक देते हैं, तो वो प्लास्टिक के स्ट्रॉस भी आपस में मिलकर के ऐसा लगता है जैसे कि वो दो उंगलियां दिखा रहे हों। दीज आइलैंड्स वर आर कैनरी, ये आइलैंड्स जो अब इतने गंदे हैं, ये कभी कैनरी कहते हैं छोटी सी पीली रंग की चिड़िया को, तो ये कभी स्वच्छ साफ छोटी से पीले रंग की चिड़िया की तरह सुनहरा था ये आइलैंड। सुनहरा कैसे था? रेत पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सुनहरा है, तो ये आइलैंड भी कभी ऐसा ही सुनहरा था। वन दैट वी हैड नो इंटेंशन ऑफ सेविंग, एक ऐसा आइलैंड जिसको बचाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते कि ये आइलैंड साफ सुथरा रहे। फ्रॉम आर्टिफिशियल अफेक्सिएशन, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं है। एंड विच नाउ लाई साइलेंट, और वो आइलैंड जो अब मौन पड़ा हुआ है। At the far edges of the world, untouched by human hands, संसार के सुदूरवर्ती इलाकों में वो आइलैंड है और मानव के हाथों से अछूता है, फिर भी इतना गंदा है। So this was the poem written by Dr. Sam Ellingworth. I hope you have understood this poem. If you like it, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.